हमारे YouTube चैनल में काफ़ी सारे जो हमारे लॉयर फ्रेंड्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट मेरी हो चाहे आपकी हो, प्रॉब्लम एक ही जैसी है, वो है बिज़नेस डेवलपमेंट। आखिर हम लोग कैसे बिज़नेस जनरेट करें, आखिर हम लोग कैसे ज़्यादा बेहतर विकल्प में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के टाइम को ध्यान रखते हुए हम अपने आप में किस तरीके से बदलाव कर सकें जिससे हमारा जो बिज़नेस है या जो हमारा प्रोफेशन है उसमें लगातार हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। मेरे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लॉयर या प्रोफेशन में जाने वाले हैं, लिटिगेशन के प्रोफेशन में आने वाले हैं, वकील बनने वाले हैं, तो ज़रूर देखिए अंत तक, आपको हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज़ मिले जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए, और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बने रहिए अपने दोस्त अशोक पांडे के साथ, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप तक जानकारी साझा करने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी कुछ आपसे मुझे सीखने के लिए मिलता है, और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, और बात करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट। प्रोफेशन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको एज अ बिजनेस नहीं देखा जाता है, लिटिगेशन का प्रोफेशन चाहे मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो मुझे वो ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं बात कर रहा हूं आपसे बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, पर्टिकुलरली फॉर लॉयर्स, किस तरीके से आप बेहतर विकल्प की तलाश में आगे बढ़ सकते हैं और लिटिगेशन या लॉयर के प्रोफेशन में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करते हुए अपने आजीविका के लिए पैसे भी अर्जित कर सकते हैं और अपना नाम भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, जैसा हम लोग ट्रेडिशनली एक लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉलेज में जाते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, तैयारी होने के बाद में फिर हम किसी लॉयर के साथ में या कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आता है उसके हिसाब से हम रेगुलर कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं, हमारा जो टच है वो एक तरीके से लीगल फील्ड में तो आ जाता है, हमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होने लग जाता है। लेकिन अब क्या, जब आपके पास बिजनेस नहीं आए, आपकी अभी तक की मेहनत बेकार चली जाएगी, तो अब आपके जो डायरेक्ट जो अप्रोच होगी वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले तो हम लोग एज अ जनरल दो तरीके से करते हैं, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को सबसे पहले कम्युनिकेट या कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक भी है, लेकिन ये एक लिमिटेड दायरा आपका बिजनेस का होगा। अगर आप माउथ पब्लिसिटी में जाएंगे तो आज के टाइम पे लोग काम निकालने के बाद भूल जाते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि आपने उनका काम कितने बेहतर तरीके से किया या नहीं। तो आपको रफ्तार बहुत तेज करनी पड़ेगी, जैसे रफ्तार पहले थी उस रफ्तार में आप काम नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्ट सोर्सेज में और भी टच लेके आने पड़ेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बना सको। आपके रिलेटिव्स वो तो ठीक हैं, आपको अप्रोच करेंगे, आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो भी आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, वो कहीं और भी तो जा सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर विकल्प ये होगा कि आप इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी आप टच करो। अब इनडायरेक्ट सोर्स में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट सोर्स में हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरे पास में तो काफ़ी नॉलेज है, लोग खुद मेरे पास में आएंगे। क्यों आएंगे, मछली पानी के बाहर कैसे आएगी? अगर आपको मछली पकड़नी है तो आपको तालाब में तो जाना पड़ेगा, पुरानी एक कहावत है, मछली पानी के बाहर नहीं आती है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सोर्सेज में भी आपको तालाब के अंदर जाना है और इनडायरेक्ट सोर्सेज में भी आपको तालाब के अंदर जाना है अगर आपको मछली पकड़नी है तो। अदरवाइज मत लीजिए, मछली पकड़ने से मतलब मेरा केवल और केवल आपको एक एग्जांपल देना था कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोगों के पास में जाना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, वो आपके पास में नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं आपकी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन अगर आप उनके पास में जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे, आप अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में बात कर सकेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश अगर आप करें, टच बनाने की कोशिश करें, तो आपका जो बिज़नेस है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ये तो चलिए हो गया सब डायरेक्ट सोर्सेज, आपको भी मालूम था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं उसे आप मत भूलिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आप अगर इंटरनेट को छोड़ देंगे और वहाँ से आने वाले एक व्यापार या बिजनेस को अगर आप टच नहीं करेंगे तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वजह से आपको आर्टिकल्स लिखने चाहिए। जी हाँ, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, नए नए जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखिए। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं। अब आप आर्टिकल पोस्ट करेंगे तो होगा क्या,
एक दो तीन या चार या 10 लोग नहीं, बल्कि हजारों और लाखों लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे। अगर आपने बेहतर आर्टिकल लिखा है तो आपके कांटेक्ट में आपको कनेक्ट करने की भी, आपको फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे, और हो सकता है एक बेहतर बिजनेस आप वहां से डेवलप कर सकें। जर्नल्स में आप लिख सकते हैं, इसी तरीके से लीगल इश्यूज के ऊपर आप न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में भी दे सकते हैं। आप अपने खुद के ब्लॉग को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग तो आएगी ही आएगी, साथ ही आप जो नॉलेज अपना शेयर कर रहे हैं लोगों से, जब उनको इस जानकारी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जानकारी जब मिलेगी, तो लोग अपने आप आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लॉयर, जैसे मैंने आपको बताया था, तालाब में नहीं जाते मछली पकड़ने के लिए, वो खुद बैठते हैं और चाहते हैं कि मछली तालाब से बाहर आकर के। ये अप्रोच आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको बार काउंसिल में भी टच बनानी पड़ेगी, आपके लॉयर फ्रेंड्स से भी टच बनाने पड़ेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, सपोज डैट अगर मैं एक फील्ड में एक्सपर्टीज हूँ और मेरे पास में बल्क में केसेस आ रहे हैं, तो मैं दूसरे फील्ड को टच नहीं करूँगा, मेरी भी लिमिटेशंस आ जाती हैं, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। अगर मेरे पास में क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा आ रहे हैं या फैमिली मैटर्स ज़्यादा आ रहे हैं या सिविल मैटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी एक फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज हो और मैं ज़्यादातर वो मैटर्स लेने की कोशिश करूं, जैसा कि मैं फैमिली मैटर्स में करता हूं। लेकिन अगर मेरे पास में सिविल मैटर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या मुझे काम कैसे करना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से वो पर्टिकुलर काम मैं नहीं कर रहा हूं। तो आप अपनी एक स्पेशलाइजेशन सेट कर लीजिए कि ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस फील्ड में है, आपको सिविल में है या क्रिमिनल में है या साइबर क्राइम में, किस में है आपको, जिस भी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आप लॉयर के ग्रुप में ही कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाइए। और इससे क्या होगा, लॉयर्स के भी दायरे सीमित होते हैं, जब उनके पास ज़्यादा होते हैं तो वो उस फील्ड को टच नहीं करते और वो आपको केस डिलीवर करना शुरू कर देंगे। और जब बहुत सारे लॉयर्स से आप टच बनाएंगे और सारे लॉयर्स से लगातार आपको काम आना शुरू हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी महानता बढ़ जाएगी, आपका एक्सपर्टीज बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो शुरुआत में आप कोशिश कर सकते हैं कि ये भी और एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, और एक्सपर्टीज के बाद में आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आने शुरू हो जाएंगे और आपकी वकालत चल पड़ेगी। ये एक और ओपिनियन है। इसके साथ ही आपके पास में जनरेट रेफरेंस करने का भी एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्स हो सकता है, जिसमें आप फेसबुक का, यूट्यूब का या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप अपने एडुकेशन को या इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। लोगों के काम की जानकारी, कई बार ऐसा होगा कि उनके काम का नहीं, वो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन हो सकता है 100 में से 1 बार या 2 बार या 5 बार वो काम की जानकारी उनकी हो और वो आपको अप्रोच करें। यहां से भी आप अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहां पर बताई। पहला, आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए, एक बल्क में लोग उसे पढ़ेंगे और आप तक अप्रोच करने कोशिश करेंगे। दूसरा, अपने लॉयर ग्रुप या बार में आप अपने मेंबर्स के साथ में, जो भी आपके लॉयर फ्रेंड्स हैं या आपके सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, उनसे अप्रोच करना शुरू कीजिए और एक्सपर्टीज केसेस लेना शुरू कीजिए। इससे आपको आपके ही फील्ड के जो लोग हैं वो काम देना शुरू कर देंगे। इसके बाद में आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को तालाब में एंटर करके बना सकते हैं। तालाब के बाहर मछली आएगी, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वैसा नहीं, तालाब के अंदर आपको जाकर के केस लेकर के, क्लाइंट लेकर के आपको आने हैं, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। रेफरेंस जनरेट आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की यानी आईटी की बात करते हैं, वेबसाइट जरूर बनाइए, अगर आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं तो। वेबसाइट बनाने से एक प्रोफेशनलिज्म आता है और लोगों के आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, प्लस आप ऑनलाइन बिजनेस भी उससे गैदर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ, अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई है, तो आप और भी ऑडियंस को, जो भी आपके सुनने वाले हैं या आपको जानकारी पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए आप कुछ और भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में आपने अपना एक अलग चैनल बना लिया, या यूट्यूब में आपका एक अलग अपना चैनल बना लिया, या इंस्टाग्राम में। तो ऐसे अगर आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी आप बल्क में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अप्रोच आपके पास आना शुरू हो जाएगा। फिर एक और भी एक ऑप्शन होता है, जैसे कई सारे यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, मजदूरों के अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के अलग होते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। उनको कॉन्टेक्ट करने से क्या होगा कि डायरेक्टली आपको एक बल्क अमाउंट में काफ़ी सारे लोगों के बीच में पहचान बढ़ जाएगी, और वहाँ से जब कभी उनको ज़रूरत होगी, उनको मालूम रहेगा कि आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आप किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, अगर संबंधित आपके काबिलियत के हिसाब से उनको काम लगता है, तो निश्चित रूप से वहाँ से भी आपको एक बिजनेस जनरेट होके आएगा। तो
ये जो बड़े बड़े यूनियंस होते हैं, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, आप इनको मत छोड़िए, बने रहिए। और कई बार अगर कहा भी जाए कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस में है या बीजेपी में है या आरएसएस में या किसी और में है, निश्चित रूप से कोई गलत नहीं है। आपको करना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए, आपको एक्टिवली इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप एक आपके बिकॉज जो केसेस आपको आएंगे, अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया तो आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको ऐसा तो नहीं कि कोलकाता का केस आप लड़ने के लिए जाएंगे, आप दिल्ली के ही केसेस कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स यूनियन होते हैं वो आपके लोकल होते हैं। अब इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जब कभी भी उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कनेक्ट करेंगे, अगर आप लगातार उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो, या उनकी एक्टिविटीज में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं तो। इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का आप बेहतर इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन एडवाइस भी मैंने आपको दिया था जहां पे आप ऐप बना सकते हैं। ऐप तो फिर भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे ज़रूर इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेबसाइट आप ज़रूर बनाइए, और इसके साथ ही जो चैनल्स वगैरह के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आप कर सकते हैं तो वो भी करिए। गूगल बिजनेस पेज के बारे में भी आप सर्च कीजिए, ये भी आपको लोकली बिजनेस जनरेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दिए जो मैंने खुद भी फॉलो किए हुए हैं और मुझे उसका एक बेहतर परिणाम समझ में आया, तो मुझे लगा शायद मैं अगर आपसे भी साझा करूं ये जानकारी तो आपके भी काम में आएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कभी मत छोड़िए, आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ में से है। फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ ही इनडायरेक्ट के अलावा डायरेक्ट सोर्सेज जो आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स कम्युनिटी हैं, या मैंने आपको ट्रेडर्स यूनियन का एग्जाम्पल दिया था, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दिया था, ज़रूर इन्वॉल्व होइए, वहाँ से भी आप अच्छा खासा बढ़िया बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अब इसको बिजनेस डिलीट करके आप प्रोफेशन कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में बिजनेस आसानी हुई, इस वजह से प्रोफेशन मैंने नहीं इस्तेमाल किया। बट उसको इनडायरेक्ट वे में आप मत लीजिए, मेरा कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं था कि ये एक व्यापार है, नहीं, ये हमारा प्रोफेशन ही है और हमें इसको प्रोफेशनली ही करना है। आप इस बात का ध्यान रखिए जो मैंने आपको टिप्स दिए, ज़रूर अगर आपके कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कीजिए अगर आपके कुछ काम आने वाली चीज़ें हैं, या आगे आने वाले टाइम पे इंप्लीमेंट करने के बाद आपको अगर उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक पांडे, बने रहिए मेरे साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी नहीं दबाई, दबा दीजिए, आपका ही अपना चैनल है, कानूनी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। क्योंकि आप वकील हैं या बनने वाले वकील हैं, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। क्लाइंट्स के मैं देखूं या ना देखूं, अपने दोस्तों के सजेशन मैं ज़रूर देखता हूं। आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन डिटेल आप भेज सकते हैं कि क्या आपके सजेशंस हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो। आपके बेहतर भविष्य के लिए आपके वकालत के प्रोफेशन में जाने, या अगर आप जा चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, तो भी आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे आपका बहुत धन्यवाद करता है।